है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का ने बयान दिया है। उदयपुर के शिविर के निर्णयों पर चर्चा की जाएगी, संकल्प शिविर के निर्णयों को लागू करने पर चर्चा होगी। उदयपुर में लिए गए निर्णयों को बूथ तक हम पहुंचाएंगे, ये कहना है उनका। और ये भी कहा कि हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देखिए, जो उदयपुर में हम लोगों का जो नव संकल्प शिविर हुआ था उसके अंतर्गत एक और दो को हर राज्य में हो रहा है, तो आज ये दूसरा दिन है। आज मेनली जो जो हम लोग निर्णय लिए हैं चिंतन शिविर में, उदयपुर डिक्लेरेशन जो हुआ उसको कैसे लागू करें, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करें एंड ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तक कैसे पहुँचावे, उसी का ये कल सब अपनी बात रखे थे। आज हम एजेंडे के ऊपर बात करेंगे, जो जो डिक्लेरेशन हुआ वो आगे कैसे लेके जाएंगे, लोगों तक तो कैसे पहुंच पाएंगे, जो जो हम लोग का मेन मुद्दा था जैसे 50% रिजर्वेशन है, एक बंदे को एक पोस्ट है, फिर अन्य चीज़ है, जो जो चीज़ है वो आज एजेंडा पे डिस्कशन होगा। कल अपने सारे नेता लोग अपने मत रखे हैं, लेकिन आज डिटेल एजेंडा में जो डिटेल प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत डिटेली चर्चा होगा, हम लोग कैसे आगे ये कर पाएंगे एंड कैसे लागू कर पाएंगे। आगे बढ़ते रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया है। कांग्रेस के संकल्प शिविर में उन्होंने बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों को लागू करना है उस पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 6 ग्रुप बनाए गए हैं और इस चर्चा के बाद सदस्य अपनी बातें भी रखेंगे, साथ ही खाली पदों को भरने पर भी चर्चा होगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम कैसे मनाए उस पर भी चर्चा होगी। आज संकल्प शिविर का दूसरा दिन है और आज महत्वपूर्ण सेशन होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ में किन किन बिंदुओं को लागू करना है उस पर हमारे जो 6 टीम बनी है, 6 टीम अपनी बात रखेंगे और उसको विधिवत निर्णय लिया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक पूर्णता जो हमको 180 दिन का समय मिला है, जितने भी पद रिक्त हैं उन पदों को भरने का हमको निर्देश मिला है उस पर आज चर्चा होगी। जिला स्तरीय पदयात्रा 75 किलोमीटर हर जिलों में पदयात्रा होगी, उस पर चर्चा होगी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम कैसे मनाएं राजधानी में, उसके बारे में चर्चा होगी। आंदोलन जितने महंगाई से लेकर अन्य आंदोलन पे चर्चा होगी। तो उधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर भी तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, खींचतान की स्थिति में बीजेपी चल रही है और उनके नेता एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं, ये कहना है मोहन मरकाम का। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच बीजेपी सफल नहीं हो पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में सिरपुटवल की स्थिति है, कोई नेता एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भले जिलों में जाने का प्रयास कर रही है, मगर हमारी सरकार संगठन सभी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं बातों को लेकर हम जनता के बीच में पदयात्रा के माध्यम से भी जनता के बीच में जाएंगे और हमारी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को भी हम बताएंगे।